सर मिल्किंग एनिमल कितने हैं? वो करीब करीब होंगी 250 से 300 तक। 250 से 300। और ऐसी भैंसें कितनी है? बॉम्बे में 80 रुपए है, दिल्ली वगैरह में 70 रुपए है, लखनऊ वगैरह में 70-75 रुपए है। अच्छा। जो इंसान अपना नहीं पूरा कर सकता, हम लेकिन इनको पूरा करते हैं, इनके लिए हम सब उपलब्ध करवाते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग एजुकेशन हब में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको आप अपना परिचय बताएं। मैं काकू नारंग, नारंग डेयरी फार्म परियट से। सर ये नारंग डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? ये तो हुआ था करीब करीब 2000 में। सन 2000 में जी। किन्होंने शुरू किया था ये डेयरी फार्म? मेरे पिताजी ने शुरू किया था। आपके पिताजी ने शुरू किया था 2000 सन में जी। सर कितने एनिमल से शुरू किया था? उस समय थे 200 एनिमल थे शुरुआत में। हाँ जी 200 एनिमल थे। 200 एनिमल से शुरुआत कितने हुई थी? 200 एनिमल से ही। हाँ शुरुआत 200 से ही की थी। 200 एनिमल से ही की जी। तो सर फिर आपको कैसे डेयरी फार्मिंग में अच्छा लगा, आप भी इन्वॉल्व हो गए? फिर हमारे बड़े भाई इन्वॉल्व हुए। अच्छा। अमित नारंग जी। उसके बाद फिर हम आए, फिर 200 से फिर हम लोगों ने 350 150 जानवर और बढ़ाए। अच्छा। सर आपने लगभग किस सन में आप डेयरी फार्म से इन्वॉल्व हुए? हम करीब करीब 2010 में आना स्टार्ट किया हमने। 2010 में। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया सर? हमने फर्स्ट ईयर तक किया था। फर्स्ट ईयर बीए जी। इसके बाद फिर आपने छोड़ दिया? जी हाँ। फिर आपको डेयरी में सर क्या अच्छा लगा? बस फिर हमारा यही बिजनेस की तरफ ध्यान हो गया तो फिर। अच्छा, मतलब ये था घर का बिजनेस। हाँ, करते हैं तो फिर यही सेट हो गए। यही सेट हो गए। तो सर अभी अपने पास कितने टोटल एनिमल है? 350 एनिमल है अपने। 350 जी हाँ। तो सर मिल्किंग एनिमल कितने हैं? वो करीब करीब होंगी 250 से 300 तक। 250 से 300। और ऐसी भैंसें कितनी है? बाकी 50 या 100 भैंसें हैं जो प्रेग्नेंट होंगी। अच्छा। जो सिर्फ 7 महीने 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, 10 महीने में डिलीवरी हो जाती है उनकी जी। फिर उसके बाद वो भी दूध देने लगती हैं। मतलब 250 एनिमल मिल्किंग एनिमल है जी हाँ। बाकी आपकी ड्राई एंड बच्चे ही फर है जो भी है। हाँ जी। अच्छा सर आपको समस्याएं कौन कौन सी है? जैसे आप पढ़ने लिखने वाले छात्र, आप डेयरी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए जी, क्या क्या समस्याएं आपको? थोड़ी मोड़ी समस्याएं चलती रहती हैं, रेट वेट की, कभी दाना वाना महंगा रहता है। यहाँ एक्चुअली में दूध के रेट भी नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छा। कुछ और दूसरी जगह, दूसरी स्टेटों के जगह यहाँ पे अपने यहाँ रेट भी कम है। रेट भी कम है। हाँ। मेन जो जैसे आपने बताया दाना पड़ जाता है। हाँ, रेट कम दाने का रेट एक्स्ट्रा है यहाँ पे, दाने का रेट है जो है वो काफी हाई है जी। भूसे वूसे का रेट भी काफी रहता है, पर दूध का रेट उतना नहीं मिल पाता है यहाँ। अच्छा। वो बाकी अदर स्टेटों के जगह है, अदर स्टेटों में जो है रेट सब जगह ज्यादा ही है। अब बॉम्बे में 80 रुपए है, दिल्ली वगैरह में 70 रुपए है, लखनऊ वगैरह में 70-75 रुपए है। अब अपने यहाँ 68 रुपए बिकता है, और 68 रुपए भी वहाँ शहर पहुँचा के दिया जाता है। यहाँ डेयरी से देते हैं तो हम लोग 63 रुपए में उनको दूध वालों को देते हैं, 5 रुपए उनको कमीशन देते हैं, तो वो आगे 68 रुपए बेचते हैं। मतलब मेन जो समस्या यही आ रही है जो आई आपको अभी तक में, तो पहले सर जैसे क्या रेट में बिकता था दूध जब आप डेयरी में इन्वॉल्व हुए थे? उस समय तो काफी कम था, उस समय तो 40-60 रुपए लीटर दूध था, 40-45। मतलब दाना कैसा, क्या रेट था उस समय? दाना यही था 12-13 रुपए किलो था। तब आराम थी? अब आराम है। मतलब क्या लगता है कब, कौन सा कठिन दौर था? कठिन दौर तो ये चलता ही रहता है इसमें, ये तो कठिन दौर है ही। अच्छा। क्योंकि ये एक अच्छा बिजनेस है एक प्रकार का, कि आप इसको थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं कर सकते या एक दिन के लिए बंद नहीं कर सकते हैं जी। इसमें तो 24 घंटे आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है, 24 घंटे ही आपको यहाँ पूरा मैनेजमेंट संभाल के रखना पड़ता है। तो सर आप भैंसे कहाँ की भैंसे रखते हैं आप? हरियाणा से गाते हैं हम लोग भैंसे, मुर्रा नस्ल की भैंसे रखते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंसे रखते हैं। कितने लीटर वाली रखते हैं सर? ये देती हैं 14-15 लीटर का। 14-15 लीटर वाली मिनिमम मैक्सिमम। हाँ जी। इतने लीटर तक रखते हैं आप? हाँ जी। तो सर जैसे जब आपकी भैंसों का दूध कम हो जाता है तब क्या करते हैं आप? दूध ऐसे कम नहीं हो जाता, फिर तो इनके इनको जो इंसान नहीं खा पाता हम लोग वो इनको देते हैं, विटामिन सब, विटामिन कैल्शियम, विटामिन के जितने भी आते हैं मिनरल मिक्सचर सब इनको दिया जाता है। अच्छा। जो इंसान अपना नहीं पूरा कर सकता हम लेकिन इनको पूरा करते हैं, इनके लिए हम सब उपलब्ध करवाते हैं एनिमल के लिए। हाँ जी। अच्छा फीड में इसमें सर क्या क्या खिला रहे हैं आप? फीड में सभी खिला रहे हैं हम, बिनोला खगी है, सरसों खगी है, चुनी है, राहर चुनी है, मक्का है। अच्छा। इस समय सर अपने डेयरी फार्म में कितने मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है? 2000 लीटर है टोटल हमारे पास अभी। 2000 लीटर। हाँ जी। कहाँ कहाँ सेल कर रहे हैं सर आप? हमारा जाता है शहर में जाता है आधारताज में, हमारा नारंग डेयरी के नाम से शॉप है काउंटर। अच्छा, वहाँ से हमारा फुट का दूध भी सप्लाई होता है, उसके अलावा भी हमारा 2-3 जगह जाता है, सिविल लाइन वगैरह जाता है जी। तो कैसा लग रहा है आपको व्यवसाय? ठीक है, बढ़िया है जी। अच्छा, तो जो अपना सर काउंटर है, अपने काउंटर से कितना दूध निकल जाता है? काउंटर से हमारा 1000 लीटर दूध वहाँ से सेकेंगे काउंटर आधारताज से।
पचास हजार से आपका 1000 लीटर बिक जाता है, 1000 लीटर। आप अपने काउंटर से किस रेट से बेचते हैं? काउंटर से 68 बिकता है हमारा। 68 जी। जो बाकी ऐसे आते हैं जो दूध लेके बेचते हैं उनको रेट पे कमीशन कहता है, उनको 3-4 रुपए कमीशन देते हैं हम लोग पर लीटर में। हाँ जी, पर लीटर में 3-4 रुपए कमीशन दिया जाता है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई सरकार से अपन को किसी से कोई मदद तो मिलती नहीं है। और दूध के रेट भी जैसे बढ़ने चाहिए वैसे बढ़ नहीं पाते। हाँ। बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं रेट बढ़ाने में जी। बहुत सारे इशू आते हैं। हाँ जी। जब भी रेट बढ़ाने की बागी आती है तो कोई ना कोई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जी। तो दूध की रेट की समस्या है। हाँ जी। तो जो आजकल युवा आती है अगर आए तो लगभग कितने जानवर शुरू करें डेयरी फार्म? वैसे तो आजकल क्या है, कोई डेयरी फार्म नया करना ही नहीं चाहता है, कोई न्यू खोलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इतनी कागज रखती है 1.5 लाख रुपए की एक भैंस आती है जी, और उसका 10-12 लीटर दूध देती है वो। जितना उसका प्रोडक्शन ही है उससे उतना खर्चा है उसका। तो बहुत लागत लगती है, उस चक्कर में आजकल कोई इसमें आना ही नहीं चाहता है इस व्यवसाय में। नई पीढ़ी है वो तो बकायदा अपनी बंद करते जा रहे हैं, जिनकी पुरानी पीढ़ियां थी जो कर गई थी व्यवसाय, अब उनके जो बच्चे अच्छे आ गए वो तो करने ही चाह गए हैं। सही बात है। तो आपको सर भविष्य का क्या प्लान है, एनिमल बढ़ाना है, किससे क्या करना है? नहीं, हमारे फिक्स है, हमने 350 एनिमल कर रखे हैं, हमारे पास पर्याप्त है। इतने करना है ना, बढ़ाना है ना, घटाना है, चलाना है जी। तो कुछ सर प्रॉफिट हो रही है, लगभग कितने अमाउंट में बच जाता है पैसे, मतलब क्या कहना चाहेंगे? प्रॉफिट तो अब क्या है, चल ही रहा है हमारे पिताजी के टाइम से, तो वो पीढ़ियों वाला हमारा है व्यवसाय है हमारा पिताजी के टाइम से, तो हम उसी व्यापार को चला रहे हैं अपना। अच्छा, व्यवसाय चला रहे हैं। हाँ जी। कुछ जैसे भविष्य में लगता हो कि आपको इससे थोड़ा एग्जिट करके कोई अन्य व्यवसाय करें, कुछ ऐसे मन में लालसा आती है? अन्य व्यवसाय भी करते हैं हम साथ में, जैसे कि हमारा राइस मिल है पनागर में है। अच्छा। जी हाँ, वो हम मेरे बड़े वाले भाई संभालते हैं अमित नागंग जी जी, डेयरी भी संभालते हैं, डेयरी भी करते हैं वो, और वहाँ भी देखते हैं। तो मेन आपको बिजनेस कौन सा चल रहा है, राइस मिल वाला है डेयरी बिजनेस? दोनों ही हमारे बिजनेस चल रहे हैं। अच्छा। दोनों ही मेरे भाई देखते हैं। अच्छा जी हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने सर समय निकाल कर जो भी आपके डेयरी फार्मिंग की स्टोरी। धन्यवाद, शुक्रिया सर।